अस्सलाम वालेकुम फैसिलिटेटर्स प्लस प्लेटफॉर्म से आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है, इसमें आज हम आपको बताएंगे कि ये जो इग्निशन ट्रांसफार्मर होता है ये काम कैसे करता है। ये एक फीडा का ओरिजिनल न्यू इग्निशन ट्रांसफार्मर है, जिसना कि आप ये देख सकते हैं ये एक डबल पोल इग्निशन ट्रांसफार्मर है। डबल पोल हम इसको इसलिए कहते हैं कि इसके आगे से जो तारें निकलती हैं ये दो होती हैं इग्निशन के लिए, जिसना आप ये देख सकते हैं हमने आगे दो इग्निशन की तारें निकाली हुई हैं, 1 और 2, इसलिए इसको डबल पोल या डबल लेड इग्निशन ट्रांसफार्मर या इग्निशन कोयल भी कहते हैं दूसरी जबान में। ठीक है, अब हम आपको ये बताएंगे ये काम कैसे करता है। सबसे पहले ये बहुत ही आसान है, ये देखें जिसना कि आप ये देख सकते हैं हमने एक कनेक्शन स्ट्रिप यूज़ की, उसमें हमने एक फेस की वायर दे दी और एक न्यूट्रल की वायर। देखें जो रेड वायर है ये फेस की और जो ब्लैक वायर है ये न्यूट्रल की। ठीक है, और ठीक इसी तरह आगे जो ब्राउन वायर है जो इग्निशन ट्रांसफार्मर की अपनी है ये फेस की, और जो नीली तार जिसको ठंडी तार भी कहते हैं ये न्यूट्रल की। डिफरेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक डिफरेंट कलर कोडिंग यूज़ होती है, तो हमने उसी हिसाब से इसको मैच किया हुआ है, रेड के साथ ब्राउन, ब्लैक के साथ ब्लू, और जिसको ये ग्रीन वायर है ये अर्थ की तार है। अगर हमें अर्थ करना पड़े, जिस तरह के आप जानते हैं कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए अर्थ की तार हमेशा इस्तेमाल की जाती है, वो जिसको हम ग्राउंड करते हैं सो दैट किसी भी तरह की करंट लीकेज की सूरत में हम एक शॉर्ट सर्किट से बच सकें और किसी किस्म की भी जानी या माली नुकसान ना हो जो कि अर्थ उसको अब्जॉर्व कर लेती है। क्योंकि ये डबल पोल का इग्निशन इग्नाइटर है, तो आगे ये डबल पोल का ही इग्निशन इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, इसको हम ड्यूल इग्निशन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। ये देखें आप, ठीक है, ये डबल पोल का इग्निशन इलेक्ट्रोड है। अच्छा, डबल पोल हमेशा यूज होता है मोस्टली वहाँ पे जहाँ पे ऑयल बर्नर्स होते हैं। ठीक है, ये ड्यूल फ्यूल बर्नर में भी हम यूज़ कर सकते हैं और ये ऑयल बर्नर के लिए कॉमनली यूज होता है। तो आज हम ये बताएंगे आपको कि ये काम कैसे करता है और ये आगे जो डीजल जब नोजल शावर करती है, हमारी जो ऑटोमाइजर है हमारा जब डीजल शावर करती है तो ये आगे इसको आग कैसे लगाता है। अभी हमने इसको पीछे से करंट नहीं दिया, हमने इसको सप्लाई नहीं ऑन की, जैसे ही मैं इसमें करंट दूंगा ये वायर लाइव हो जाएगी, ये तो आप देख सकेंगे अपने कैमरा के अंदर, कैमरा की सूरत से स्क्रीन पे कि ये आगे से स्पार्किंग करने लग जाएगी। ठीक है, जिस तरह हम लाइटर से आग जलाते हैं तो पहले क्या होता है गैस आती है तो साथ ही एक स्पार्किंग होती है छोटी सी तो आग लग जाती है। यहाँ जिस तरह हमारे इलेक्ट्रिक स्टोव्स भी होते हैं तो सेम वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी चलता है, लेकिन बस ये एक डबल पोल का है। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा आप देख सकेंगे कि ये इसके अंदर स्पार्किंग शुरू हो जाएगी। ये देखें स्पार्किंग ऑन होगी और इसके जाने हवा दूंगा ये आगे जाने लग जाएगी। ये देखें दोबारा इसको हम ब्लो करेंगे जब ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं जब हमारा जो बर्नर है जब उसका ड्राफ्ट ओपन होता है, जब उसकी एयर ओपन होती है ये देखें आप, तो ये आगे की तरफ जाता है, जैसे नोजल पीछे से ऑयल को शावर करती है तो ये आगे उसको आग लगा देता है और ये आग कैच कर लेता है, तो उसकी वजह से आगे हमारा फ्लेम ओपन हो जाता है और आगे आग लगना शुरू हो जाती है। और जिस तरह पीछे से बंद होगी नोजल तो ये आग बंद हो जाएगी। अब इसको दोबारा हम इसको चला के दिखाते हैं आपको, ये देखें अब जैसे इसको ये आप समझें अभी बर्नर का ड्राफ्ट ऑन होने लगा, ये देखें पीछे से नोजल स्प्रे कर रही है, ये देखें ये आगे से पकाएगा, ये दूर की सड़क में बनता है। ये देखें इसके एक अपना स्पेसिफिक टाइम होता है, डिफरेंट जो कि हमारे बर्नर के सीक्वेंस कंट्रोलर होते हैं एंड उनके डिफरेंट आगे टाइम्स होते हैं स्पार्किंग के, हमें कितने देर स्पार्क कराना है। ठीक है, और ये फीडा का ओरिजिनल ट्रांसफार्मर है, तो अगर आप इस तरह के ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहते हैं इग्निशन ट्रांसफार्मर, इग्निशन इलेक्ट्रोड, इग्निशन वायर्स या बर्नर से रिलेटेड कोई भी एक्सेसरीज या पार्ट्स, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, जो उसमें आपको हर किस्म के पार्ट्स हमसे मिल सकते हैं, वो उनके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और आप हमें कॉल करके भी अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी आज की वर्किंग, इसमें हमने आपको दिखाया कि जो डबल पोल इग्निशन ट्रांसफार्मर है वो डबल पोल ड्यूल इलेक्ट्रोड के साथ काम कैसे करता है और जो हमारा बर्नर है उसके अंदर आग कैसे लगती है और इसको कैसे ये इसका मैकेनिज्म है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, आगे अपने टेक्निकल जितने भी मेम्बर्स हैं या जानने वाले इंडस्ट्री के लोग हैं उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी ये वीडियो देख सकें और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप भी किसी किस्म का भी इंडस्ट्रियल सोल्यूशन चाहते हैं या कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह चाहते हैं तो या किसी भी किस्म का कंसल्टेशन चाहते हैं एनर्जी रिलेटेड सोल्यूशन की या पावर रिलेटेड सोल्यूशन की, तो आप हमें इससे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।
Digital Plus पाकिस्तान का वाहिद डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि पाकिस्तानी सनत के काबिल और हुनरमंद अफराद के इल्म और फन को न सिर्फ पाकिस्तान में फरोग देने बल्कि साथ ही साथ उनकी मसनूआत और सर्विसेज को पूरे पाकिस्तान में पहुंचाने के लिए अपनी खसूसी सर्विसेज भी फ्राहम कर रहा है। नीज कारोबारी हजरात की कंपनी की तशहीर के लिए भी मुकम्मल सहूलियत फ्राहम कर रहा है। लिहाजा अगर आप भी बदलते वक्त के जदीद तकाजों के मुताबिक आसानी के साथ अपने इल्म, हुनर, सर्विसेज, मसनूआत और बिजनेस की तशहीर और तरक्की चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर फौरी राब्ता करें। शुक्रिया।